क्या इस नए एक्ट्रेस ने छीन ली सारा अली खान से ये मोस्ट अवेटेड फिल्म? जानिए पूरा मामला। बॉलीवुड एक्ट्रेस के बीच फिल्मों को लेकर खींचतान के मामले अक्सर आते रहते हैं और हाल ही में दो नवोदित एक्ट्रेसेस के बीच फिल्म छीनने का मामला सामने आया है और काफी वायरल भी हो रहा है। ये मामला है सारा अली खान और राधिका मदान के बीच। दोनों की अभिनेत्रियां बॉलीवुड में दो दो फिल्में कर चुकी है। हाल ही में खबर आई है कि एक्ट्रेस राधिका मदान जल्द इरफान खान और करीना कपूर खान स्टारर फिल्म अंग्रेजी मीडियम में नजर आने वाली है। इस फिल्म में वो इरफान और करीना की बेटी का किरदार निभाती नजर आएंगी। फिल्म में इस रोल को पाने के लिए राधिका ने कितनी मेहनत की है, इस बात का खुलासा हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में किया है। अब फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है और फिल्म की यूनिट इसके पोस्ट प्रोडक्शन पर काम कर रहे हैं। विशाल भारद्वाज की फिल्म पटाखा से डेब्यू करने वाली राधिका मदान की पिछली रिलीज फिल्म मर्द को दर्द नहीं होता बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, पर अब अपनी आने वाली फिल्म से राधिका को काफी उम्मीदें हैं। राधिका मदान ने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें हिंदी मीडियम के सीक्वल में रोल हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। आपको बता दें, पहले ये किरदार सारा अली खान को ऑफर किया गया था, लेकिन राधिका इस फिल्म को हासिल करने के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। नेपोटिज्म के मुद्दे पर बात करते हुए राधिका ने बताया कि उन्हें फिल्म के प्रोड्यूसर से पता चला था कि वो इस फिल्म में एक स्टार किड को लेना चाहते थे, पर उन्होंने बार स्क्रीन टेस्ट और ऑडिशन देकर फिल्म में अपना रोल पक्का किया। राधिका ने ये भी कहा कि उन्होंने किसी से ये फिल्म छीनी नहीं है, बल्कि उनकी मेहनत से उन्हें ये हासिल हुई है।